जैसा कि आप जानते हैं कि आज सलमान खान को जेसी हुई, जेसी के बाद में पुलिस द्वारा जेल पर लाया गया, तो जेल में जो प्रक्रिया निर्धारित है उनको अंदर किया गया और उनका प्रवेश किया गया। मैंने समाचारों में और फ़ोन बहुत आ रहे हैं कि उनका नंबर क्या है, उनका नंबर 106 है, 106। उनको फिर अंदर ले जाया गया और उनकी फिर अंदर सारी एंट्री करके उनका मेडिकल कराया गया, तो मेडिकल में वो ठीक हैं, थोड़ा सा बीपी हाई था उसके लिए, अब दोबारा चेक किया गया तो बीपी नॉर्मल है और हर तरीके से वो ठीक हैं। उनको फिर एक वार्ड में, दो नंबर वार्ड में रखा गया है। उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जो नियम विरुद्ध हो या कोई उन्होंने डिमांड अभी तक नहीं की है। बाकी उनके साथ जो थे, शायद शेरा नाम है उनका, वो उनके कपड़े देके गए थे, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी भी लेके गए थे, लेकिन चूंकि सजायाफ्ता बंदी को नहीं देते हम बाहर से, तो वो नहीं दिया गया। बाकी उनके कपड़े उनको दिला दिए गए। बाकी सजायाफ्ता बंदी को जो जेल में चीज़ें दी जाती हैं, कपड़े भी उनमें से एक हैं, उनकी वर्दी होती है, तो वो भी हम सुबह तक उनको अलाउट कर देंगे और फिर वो उसी में रहेंगे। सर, क्या दवाइयां भी सलमान को कुछ दी गई हैं? खाने के मेनू में क्या है अभी तक? कुछ उन्होंने खाया है नहीं? खाने के मेनू में अभी तक तो उन्होंने खाया नहीं है। हालांकि खाने के मेनू में दाल थी, चने की दाल है और पत्ते गोभी की सब्जी है और उनको दे दी गई है। शायद सुबह से भी उन्होंने कुछ खाया नहीं है ऐसा सुना है, लेकिन हो सकता है वो अभी खा ले, वो अभी तक कुछ नहीं खाया। सलमान खान की किससे बात की है? नहीं, चुपचाप बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, जो जेल में आने का एक डिप्रेशन होता है वो है उनमें भी, बाकी इतना नहीं है कि कोई चिंता वाली बात हो। सर, सलमान खान को थ्रेट था जेल के अंदर, बता रहे थे उस बारे में, आप बताइए। हाँ जी, ये जो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, तो लॉरेंस तो चूंकि भरतपुर में है और उनके जो गैंग के कई आदमी हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो सब हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में हैं, तो उन वार्ड से उनको वहाँ आने की अनुमति नहीं है। फिर भी हमने 3 स्तर की व्यवस्था की है कि वहाँ तक पहुँचने में कम से कम उनको 4 जगह सुरक्षा को पार करना पड़ेगा, जब कोई पहुँच पाएगा। तो हमने यहाँ तक कि हमारे स्टाफ को भी बिना किसी इजाज़त के वहाँ नहीं जाने दे रहे, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा कोई खतरा नहीं। जमीन पे देखो, शायद भारत की किसी जेल में ये व्यवस्था नहीं है, सभी जेलों में जमीन पे सोना पड़ता है। उसके लिए उनको ब्लैंकेट दे दी गई है, 4 ब्लैंकेट दी गई हैं, और सोना तो नीचे ही पड़ेगा और खाना भी, जेल के बर्तन भी दे दिए गए हैं, खाना भी उन्हीं में खाना पड़ेगा। आसाराम जी के साथ नहीं है, आसाराम जी अलग हैं, वो उनके वार्ड में। अच्छा सर, आपने बताया कि कुछ बीपी की समस्या थी, तो किस तरह की थी? अब थोड़ा सा बीपी क्या होता है, जैसे जेल में बंदी जब नया आता है तो थोड़ा बीपी सभी के बढ़ जाता है, ये एक यानी नेचुरल चीज़ है, जैसे थोड़ी चिंता होती है, तो उसी हिसाब से था, बाकी अब नॉर्मल है। सर, कोई बातचीत की? हमने आपको फोटोग्राफ देखे आपके साथ सामने कुर्सी पर बैठे हुए। नहीं नहीं, वो क्या हुआ था कि जैसे जब शुरू में उनका लाया गया था तो गेट में बैठे हुए थे हम, अंदर कोई नहीं था, वो वहीं गेट में ही, क्योंकि गेट में भी आमद करनी पड़ती है बंदी की, ये बंदी आया तो वहाँ भी कुछ लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसी समय का है वो। कोई पुलिस भी साथ थी, सुरक्षा गार्ड भी साथ थे, उनमें से किसी ने बना लिया होगा। बातचीत तो यही होती रहती है, भाई देखो मैं तो पहले भी 3 बार आया हुआ हूँ जेल में जी, और ऐसा कोई नई बात नहीं है जोधपुर जेल। बाकी उन्होंने कहा कि राजस्थान से मेरा विशेष लगाव है, तो वो क्यों है ये पता नहीं। क्या कि राजस्थान से मेरा विशेष लगाव है और क्यों है ये मेरे को भी नहीं पता। तो अब वो कहते हैं कि राजस्थान है, जयपुर है और जोधपुर है, मेरे को विशेष पसंद है और लगाव है, लेकिन इस घटना से ऐसा नहीं कि मेरा लगाव कोई कम हो जाएगा। स्पेशल डिमांड? स्पेशल डिमांड बिल्कुल, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, उन्होंने कोई डिमांड अब तक नहीं। हाँ, वहाँ उसको अभी किसी कैदी को नहीं रखा गया है, अकेले। सर, बाकी जो कैदी हैं, टॉयलेट की बात हुई थी, टॉयलेट की बात हुई थी, और वो इस बार भी कह रहे थे कि टॉयलेट की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, ये मैंने कहा आपने शायद पिछली बार बोला था, तो वो कह रहे थे कि मैंने गीजर का भी कहा था और जो बंदी हैं जिनके जुर्माने की वजह से छूट नहीं पाते उनके लिए भी कहा था, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार कर देना, कोई खास बात नहीं। अब इसका करने नहीं करने का सलमान को या इंडिपेंडेंट कोई है? इंडिपेंडेंट जो बैरक में होता है वो इंडिपेंडेंट ही होता है, बाकी जो बाहर कॉमन ही है कॉमन, लेकिन उस बाड़े में, उस बाड़े में सर बाकी सारे कॉन्विक्स को भी उस बाड़े में उस नहीं नहीं हाँ सभी बैरक्स में बाथरूम होता है, लेकिन ये क्या होते हैं जैसे थोड़ी इनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, थोड़ा हाई प्रोफाइल होते हैं तो इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, तो अलग कमरे में रखते हैं तो उनके लिए अकेले के लिए हो जाता है, बाकी यदि इसमें 5 बंदी और रहेंगे तो वो भी रहेंगे घर के किसी सदस्य के मिलने और हम ये चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि 4-5 बंदी कम से कम उनके पास रखें, क्योंकि अकेले को रखना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं। उसी वार्ड में रखेंगे आप? हाँ उसी कमरे में, वार्ड में क्या उसी कमरे में, लेकिन वो आसाराम बापू का वार्ड है ना? नहीं आसाराम बापू का वार्ड नहीं है वो, वार्ड तो जेल का है वो। हाँ नहीं मतलब आसाराम बापू उसमें रहते हैं, वार्ड में कमरा है उनका भी अलग से। बाकी कैदियों में जैसे आम जनता में उत्साह है वैसे बाकी कैदियों में भी उत्साह है, लेकिन हमने क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए उधर नहीं जाने दिया, बाकी यदि उनमें थोड़ा बहुत उत्साह है तो थोड़ा देख सुरक्षा को ध्यान में रखे, उनके उत्साह की भी पूर्ति करने की कोशिश। पानी के लिए बताता हूँ, पानी PhD का पी रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और अपने जो PhD जोधपुर सप्लाई कर रही है वही पानी दिया जा रहा है, और वो बिना किसी बिस्लेरी की डिमांड के वो पानी खूब पी रहे हैं। कैदी जेल खुलने के साथ ही उठ जाते हैं और जेल खुलने का टाइम लगभग 6:45 मच्छर जोधपुर जेल में वैसे कम है, और बाकी जैसा मैंने अभी घंटे डेढ़ घंटे में साथ रहा तो रफ टफ आदमी है, इतना घबराने वाला आदमी लगा नहीं मेरे को। मैं यही बता रहा था आपको, उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ जोधपुर और राजस्थान से विशेष लगाव है, तो मान लो मेरे को कोई अपराध भी यदि मान लो सजा भी दे दी तो ये कोई मतलब नहीं है कि मेरा, मैंने पूछा कि कहीं जोधपुर से अब तो नहीं लगाव कम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनका प्लान नहीं है, उनके वकील वगैरह का प्लान होगा कोई जमानत लगाने का तो वो लगाएंगे। फैमिली जेल मैनुअल के हिसाब से कल ही मिल सकते हैं फैमिली वाले, क्योंकि अब वो जितने बजे आते हैं हम देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से कब अलाउ किया जाए उनको। वकील कभी भी मिल सकता है क्योंकि इनके अब जमानत लगाई जाएगी तो मिलना जरूरी होता है, तो वकील मिल सकता है बिल्कुल, नाश्ते का प्रावधान है और नाश्ता 6 दिन में 6 तरीके का दिया जाता है और पौष्टिक नाश्ता दिया जाता है। कल का मेन्यू में शायद मीठा दलिया है और चाय है तो वो दी जाएगी। नमक के लिए हमने नमकीन खिचड़ी भी है अलग से। सलमान थैंक यू सर।